वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक्सपिया का RF डिवाइस, इसके बारे में बताएंगे और इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये डिवाइस 1 किलोमीटर रेंज का है, ओके। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 GHz है और इसकी जो स्पीड है 300 Mbps है और ईजी टू इंस्टॉलेशन, मतलब इसको कन्फिगर करने के लिए आपको लैपटॉप नहीं चाहिए। आप सिंपली इसमें क्या होता है, बटन होता है, बटन के थ्रू ही कन्फिगर हो जाता है ये, तो ईजी टू इंस्टॉल है, कोई लैपटॉप नहीं चाहिए इसके लिए। अब हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज मिलता है, देन आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाएंगे हम कि बटन के थ्रू ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है। जो इसका मॉडल नंबर है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसका ये मॉडल नंबर है XP150, ओके। देखिए मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर दिया है। अब ये देखिए इसमें कुछ टाइम मिलता है आपको, अगर इसको पोल वगैरह पे क्लैंप करना, उसके लिए ये पैच कोड मिलता है, ये हमारा डिवाइस हो गया। और ये एडाप्टर होता है इसमें, इस तरह का एडाप्टर होता है। देखिए इसमें क्या है कि दो पोर्ट होता है, POE और LAN, ठीक है ना। ये POE एक LAN, जो कनेक्टिविटी होती है वो POE से जो केबल जाती है वो डिवाइस में जाती है, जो LAN से जाती है वो आप स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा है तो लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, POE से डिवाइस में जाती है, LAN जो है LAN से आप स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी कनेक्टिविटी बनानी है उसके लिए LAN यूज होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये देखिए एडाप्टर है इसका, एडाप्टर के POE पोर्ट से मैंने केबल निकाल के ये डिवाइस का, देखिए एक WAN पोर्ट होता है, एक WAN पोर्ट होता है, एक LAN पोर्ट होता है, जो WAN पोर्ट होता है वो POE पोर्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको WAN पोर्ट पे लगाना है, ये पोर्ट POE नहीं होता, ये नॉर्मल पोर्ट होता है, आप कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। कुछ नहीं है इसमें, आप छोटी सी चीज़ करनी होती है इसमें। ये देखिए इसमें बटन है यहाँ पे H और C लिखा है, ठीक है ना। तो एक डिवाइस में ये बटन H के साइड रखना है और दूसरे डिवाइस देख सकते हैं आप C के साइड रखना है, ठीक है ना। C के साइड मैंने कर दिया, एक चीज़ ये करनी है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, ये जो बटन है इसको जब प्रेस करेंगे बटन को, तो ये देखिए नंबर ब्रिंग कर रहा है, इसको प्रेस करेंगे नंबर ब्रिंग करेगा, देन हम इसको जब प्रेस करेंगे तो नंबर देखिए 4, 5, ठीक है ना, 6, ओके ये आ गया। तो आप कोई भी नंबर सेट कर सकते हैं, मैंने 6 नंबर रखा। उसके बाद क्या करना है आपको, जो रीसेट का बटन है ये जो रीसेट का बटन है, इसको क्या करना है कि 1 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ देना है। इसे मैं प्रेस किया छोड़ दिया, इसको भी प्रेस किया छोड़ दिया, बस 1 सेकंड के लिए दबाना है छोड़ देना है। उसके बाद वेट करना है आपको, जब कनेक्ट होगा तो पी करके नंबर आ जाएगा यहाँ पे, तो हम वेट करते हैं। ये 40 to 50 सेकंड का टाइम लेता है, तो हम वेट करेंगे अभी। तो अब देखिए यहाँ पे पी करके आगे नंबर आ चुका है, इसमें भी सेम पी करके आगे नंबर आ चुका है, मतलब कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब अगर कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस तो इसका मतलब पहचानने का तरीका यही है कि पी के नंबर आ जाएगा, दोनों में नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब कनेक्ट हो चुका है, ओके। तो देखिए सर यहाँ पे ये P17 है, ठीक है ना। पी का मतलब क्या हो गया, पावर। ये क्या है कि पावर स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ पे, ठीक है ना, पावर स्ट्रेंथ दिखा रहा है दोनों का ये। और आपको मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जैसे ये आपका बटन है H और C, H का मतलब हो गया होस्ट और C का मतलब हो गया क्लाइंट। मैंने आपको बताया था कि एक बटन H के साइड रखना है और दूसरा बटन C के साइड रखना है, तो उसका मतलब यही होगा कि H का मतलब होस्ट, C का मतलब क्लाइंट। और इसमें एक और बटन है यहाँ पे F का मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन के लिए होता है, ठीक है ना, ये फंक्शन के लिए होता है। और S का मतलब हो गया सेटिंग के लिए, ओके। अगर आपको कोई फंक्शन करना है तो F दबाना है, देन उसके बाद आपको सेटिंग के लिए S दबाना है। आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे कि जैसे आप F का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे इसका IP देखिए, ये 253 इसकी IP हो गई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं इसकी पूरी IP। रिपोर्ट IP जो है होस्ट की होता है 192.168.188.253, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, ये 253 होस्ट की IP है। और ये इसका जो 5 दिखा रहा है वो इसका चैनल नंबर है, ओके। और ये P है वो आपको बता दिया मैंने कि पावर स्ट्रेंथ है, ओके। अब मैं इसका आपका
क्लाइंट का आईपी दिखाता हूँ कि आईपी क्या है इसकी। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ये चैनल दिखा दिया इसने, दोबारा क्लिक किया, ये आईपी 100 है इसकी। इसकी जो डिफॉल्ट आईपी होती है क्लाइंट की वो होती है 192.168.1.100, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो ये बटन है वो मैंने बता दिया था आपको, रीसेट का बटन है, इससे आपको रीसेट करना हो तो रीसेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो होस्ट और क्लाइंट है इसको आप किसी भी साइट पर लगा सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि होस्ट को एनजीआर साइट लगाना है और क्लाइंट को पीओएसयू साइट लगाना है, आप कोई भी किसी भी साइट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिफ्ट के अंदर एक अच्छा सोल्यूशन है, काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट यूज करते हैं इसको। ये 50 फ्लोर के लिफ्ट के में टेस्टेड है, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये। और इसका जो एप्लीकेशन है आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि लिफ्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वायरिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइस हमारा 1 किलोमीटर तक का है, मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर तक आप 4-5 कैमरा 4 MP आप चला सकते हैं। जो इसका RF पावर है वो 21 dBm है, और जो इसका एंटीना गेन है वो 8 dBi बोटिन एंटीना है, डायरेक्शनल एंटीना है। ओके, तो हम वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में डिवाइस के बारे में बताया और इसको कैसे कंपेयर करें।